नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर के बामनी में पिछले कुछ दिनों से बामनी प्रोटीन लिमिटेड को प्रदूषण की शिकायत के कारण बंद कर दिया गया था और सुधार के बाद फिर से शुरू करने के लिए कहा गया था, लेकिन उद्योग शुरू करने के बजाय प्रबंधन ने सरकार को दोष देना शुरू कर दिया और अब हमारे पास कोई प्रदूषण विरोधी तकनीक नहीं है। इस उद्योग को चलाने के लिए इसके विपरीत हमने यह रुख अपनाया था कि हम उद्योग तभी शुरू करेंगे जब सरकार खुद हमें इसका समाधान देगी। उद्योग में श्रमिक संघ ने जिले के पालक मंत्री और सरकार से बात की और 9 जुलाई को मुंबई में एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया था और इसी तरह का पत्र प्रबंधन को भी दिया गया था। चर्चा थी कि बामनी प्रोटीन्स उद्योग जल्द ही शुरू होगा। इसकी खबर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी आई, लेकिन इतना सब होने के बाद भी कंपनी शुरू करने के बजाय प्रबंधन ने पोस्ट से पत्र भेजने का भी साहस किया, जिसमें कहा गया कि 19 जुलाई को श्रमिकों के बैंक खाते में अंतिम निपटान राशि जमा करके प्रबंधन और श्रमिकों का प्रबंध संबंध समाप्त कर दिया गया। प्रबंधन के द्वारा तालाबंदी श्रम कानून के अनुसार अवैध है। ये पत्र भी श्रम विभाग के द्वारा हमें दिया गया था, लेकिन श्रमिकों को बामनी प्रोटीन के प्रबंधन के द्वारा विभाग को अंडे की एक टोकरी भी दिखाई गई थी। कुल मिलाकर इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले से मजदूरों के जीवन में अंधकार छा गया है और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।